योगी खेल रहा हूँ पम्पकिन बैन की। मैंने पिछली बार भी खेला था पर इस बार तो मैं एस्केप करके रहूँगा, और एस्केप के लिए मैं इतना फोकस था कि मैं कमेंट्री करना भूल गया, तो इसलिए अब तुम जो भी सुनोगे वो सब वॉइस ओवर है। तो यार वो काऊ काऊ को स्किप करने के बाद मैं यहाँ पे खेती बाड़ी में लग गया, और उसके थोड़ी देर बाद ये कबूतर पागल हो गया था, कौवा पागल हो गया था, क्योंकि तुम भी जानते हो वो वाइट वाला मॉन्स्टर आने वाला है। तब तक मैंने टूल्स अपग्रेड कर ली, क्योंकि उस बद्दे से वाइट वाले मॉन्स्टर को कौन ही देखेगा। और जल्दी से टूल्स अपग्रेड करने के बाद मैं बाहर आ गया, पर मैं भूल गया कि वो गया कि नहीं गया, आई थिंक चला ही गया। तो इसलिए मैंने बहुत देर तक फार्मिंग करी, ये फास्ट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मेरे को फार्मिंग करने में। एंड उसके बाद मैं अपनी वार्डरोब में देखने आया कि यस ये वाली ड्रेस मेरे पास अभी तक है, बट यार ड्रेस में प्रॉब्लम है क्योंकि वो बेकार सी लग रही थी। उसके बाद मैंने खेत खरीदा, बट मेरे साथ स्कैम हो गया। हाँ, इन गेम वालों ने मेरे साथ स्कैम कर दिया, इसके अंदर मैं सीड्स लगा ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब एक गेम ने मेरे साथ स्कैम कर दिया यार। उसके बाद रात हो गई, रात को मैं यहाँ पे फार्मिंग ही कर रहा था एस्केप करने के लिए, पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना। पानी ख़त्म हो गया तो मैं वेल में गया पानी भरने के लिए, एंड तभी देखो ना यार गेम वाले मेरे मजे ले जा रहे। पिछली बार तो ये कोई मॉन्स्टर नहीं आया था ऐसा अजीब सा, पर उससे डरने से मैं डरा नहीं, उसके डराने से मैं डरा नहीं। मैंने यहाँ पे जोकर को ढूंढा, जोकर से बलून लिया, और उसके बाद मैं वापस दूसरे जोकर को बलून देने चला गया। जोकर भैया कहाँ हो, मिल जाओ। हाँ, इसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा था मेरे को, बट हाँ ये आराम से मिल गया मेरे को थोड़ी देर बाद रबड़ते रबड़ते। और इसके बाद सुबह हो गई, एक अच्छी सी सुबह हो गई, तभी मेरे को मिल गया हमारा प्यारा प्यारा हिरण, जो कि दिखने में बहुत प्यारा है पर काम से बहुत बेकार है। इसके बाद मैंने आसपास का कचरा कलेक्ट करा, क्योंकि अब हमें फ़िशिंग रॉड जल्दी से बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से कचरा कलेक्ट करा, उसके बाद मेरे पास इतना कचरा आ गया कि उससे मैं कचरे वाली फ़िशिंग रॉड बना सकता हूँ, और मैंने फ़िशिंग रॉड को वापस काम पर लगा दिया। एंड नाउ लेट्स गो टू मोर फार्मिंग। पर फार्मिंग से पहले मैंने अब नया खेत खरीदा, क्योंकि पिछले वाले ने तो मेरे साथ स्कैम कर दिया, तो इसलिए हमने नया खेत खरीदा। और ये हिरण मेरे घर के पास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कुछ नहीं करेगा, घर बंद है ना, अंदर थोड़ा ना आएगा ये, हिरण को गेट खोलना थोड़ा ना आता, हाँ दिमाग नाम की तो चीज़ नहीं है, चल बग जा फालतू आदमी। तो यस हिरण चला गया, यहाँ पे मैंने अपना नया खेत खोल दिया है, और यहाँ पे अब हम उगाएंगे रेड कैबेज। यस रेड कैबेज, ये दूसरा खेत मैंने इसलिए लिया क्योंकि यार उस खेत पे तो हिरण अपना कब्जा बिठाए हुए हैं, इलीगल आदमी, केस भी कर नहीं सकता मैं। और भाई ये फिशिंग वाली चीज़ बहुत सही है, सही बता रहा हूँ मैं तुमको। अभी देखो मेरे पास एक फिश आई और इससे मेरे पास 200 कॉइंस आ गए, 200 प्लस कॉइंस आए। तो यस ये फिशिंग वाली चीज़ बहुत अच्छी है, ये तो बहुत देर तक फिशिंग करने से मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए। तो मैंने एक और नया खेत खरीद लिया, ये देखो एक और नया खेत खरीद लिया। यहाँ पे हम उगाएंगे ऑरेंज, यस ऑरेंज। तो वाओ कितना अच्छा है ना, हिरण अब देखो वहीं है, इधर आ नहीं सकता, अभी कोई बाहर मॉन्स्टर आ चुका है तो मुझे अंदर ही रहना पड़ेगा। अब वो गया कि नहीं गया मुझे याद नहीं रहा। ओ आ गया आ गया आ गया, एक तो मैं पता नहीं गाने पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। वापस डे टू की रात हो गई और मुझे जोकर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जोकर मिल नहीं रहा, वो मेरे को मार देगा। और इस बार मेरे पास बहुत पैसा है, मैं एस्केप कर सकता हूँ। जोकर मिल जा प्लीज़, कहाँ है यार, ऐसे तो मत कर यार, मेरे को एस्केप करना है, प्लीज़ मिल जा मिल जा, कहाँ है, हेलो जोकर जी प्लीज़। नहीं मिल रहा मेरे को ये, ओह मिल गया, अच्छा है बच गया मैं। थोड़ा यहाँ पे काम कर लेते हैं, अभी गाने की ट्यून बंद हो गई है, मतलब हमें दूसरा जोकर अभी मिलेगा नहीं, तब तक अपग्रेड कर लेते हैं। जब गाने की ट्यून चालू होगी तो हम वापस चले जाएंगे बाहर रबड़ने। ओ यार ये गाना चालू कब होगा, एक तो यहाँ पे कैंडल भी बुझने वाली है। चालू हो जा भाई, बुझ गई कैंडल, बुझ गई कैंडल, बुझ गई कैंडल, बुझ गई। तो घर में तो रह नहीं सकते, घर से मुझे निकाल लिया, क्या फालतू गेम है ये। तो अब यार थोड़ी देर खेती बाड़ी करते हैं, अब जब तक गाना नहीं बजेगा तब तक कुछ तो टाइम पास करना पड़ेगा, और पैसे भी आ ही जाएंगे खेती बाड़ी करने से। एक तो अंधेरे में खेती बाड़ी करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, मैंने अंदर लैंटर्न्स देखी थी अपग्रेड मेन्यू में, तो हमारे पास जब थोड़े पैसे आ जाएंगे तब हम यहाँ पे लैंटर्न्स लगा देंगे। गाना बज रहा, जल्दी से जोकर को ढूंढ लो, वेयर आर यू जोकर जी, ओ मिल गया, यस थैंक यू बाय। सुबह हो चुकी है एंड उस दिन रात को और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इसके अलावा, तो बस मैं इधर खेती बाड़ी कर रहा हूँ। हिरण ओ ये रहा, मैं इसके बारे में सोच ही रहा था ये है कहाँ पे, आ गया। फिशिंग वाले से बहुत पैसे मिलते हैं, और ये हिरण बहुत बेकार प्राणी है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। यहाँ पे देखो मैंने लैंटर्न्स लगा दिए, तुम्हें दिख रही होंगी दोनों फार्म्स के इधर। अब हिरण आएगा भी रात को तो हमें आराम से दिख जाएगा, जिससे अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बस हमें खेतीबाड़ी करनी है और अपनी फ़िशिंग करनी है और अपने चीज़ों को अपग्रेड करना है। अभी तुम देख सकते हो बस कितना सारा पैसा है, मैं इन सबको इन चीज़ों में उड़ा दूंगा, खरीदता जाऊँगा खरीदता जाऊँगा खरीदता जाऊँगा चीज़ों को और खेतीबाड़ी करता जाऊँगा। इस बार तो मेरे हिसाब से मैं आराम से एस्केप कर लूँगा यार, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ ले आया हूँ मैं अब तो गेम के अंदर, मतलब कितनी ज़्यादा ग्रोथ है देखो, पैसे भी एकदम यूँ आ रहे हैं।
हिरण भी मुझसे दूरी बनाया हुआ है, वो भी मुझसे डर रहा है। तो रात हो चुकी है और अभी मैं देखो आराम से खेती बाड़ी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ लैंटर्न लगी हुई है, हिरण होगा आसपास तो आराम से हमें दिख जाना चाहिए, राइट। तो अभी हम चले जाते हैं, थोड़े से अपग्रेड्स कर लेते हैं यहाँ पे। मोटर पीस ले लिया यहाँ पे मैंने क्योंकि मेरे पास 1000 थे और इसे हमें अपनी बोट में लगाना है, तभी तो हम एस्केप करेंगे, है ना। तो अब मैं थोड़ी और खेती बाड़ी कर लेता हूँ, फिर जैसे ही गाना बजेगा तब अपन जोकर को ढूंढने निकल जाएंगे। जोकर का गाना बजने लग गया है, तो जोकर जी वेयर आर यू मिल गया। अब मुझे दूसरे जोकर को भी ढूंढना पड़ेगा, दूसरा जोकर ये रहा। चलो दूसरा जोकर भी हो गया, अब हमें बस खेती बाड़ी करना है, हिरण से बचते रहना है। पर पहले हम फिशिंग के वहाँ चलते हैं, वहाँ से ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं। देख लो इतना रिस्की काम कर रहा हूँ, एस्केप करना है, वीडियो बनाना है तो करना ही पड़ता है। उसके बाद मैंने रात को बहुत सारी फार्मिंग करी और सुबह हो चुकी है, एंड भाई बहुत सही है ना, इतना सारा पैसा है हमारे पास। एक बार नीचे भी अभी हम जाएंगे फिशिंग के पास, क्योंकि फ़िशिंग से भाई मैं सही कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पैसा आता है। एक तो एक कचरा बेचकर फिशिंग से जितना पूरे खेती बाड़ी से नहीं आता ना, उतना इन दोनों चीज़ों से पैसा आता है। ये देखो 300 प्लस कॉइन्स मिले मेरे को भी अभी। और यहाँ पे मैं एक मोटर पीस लाया था, तो देख लेते हैं इधर जुड़ेगा नहीं जुड़ रहा है। तो चलो वापस अपने घर के इधर ही चलते हैं जितनी सेलिंग हो सकती है। देखो मेरे पास 1000 से ज़्यादा कॉइन्स है, तो मैं एक और मोटर पीस ख़रीद लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक और मोटर पीस, पर अब ये 2 से ज़्यादा ख़रीदने नहीं दे रहा, और वहाँ पे मैं 4 मोटर पीस चाहिए, तो अब यार क्या करना पड़ेगा यार। चलो तब तक कचरा कलेक्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं, क्या पता ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने से आ जाए। यहाँ फिशिंग पैसे कलेक्ट करो, एंड अब मैं देखता हूँ यार यहाँ पे क्या ऐसा तो नहीं कि हम 2 मोटर पीस पहले इसमें लगाएंगे फिर बाद में 2 और लाएंगे, यहाँ अंदर भी नहीं जा सकता भाई। तो मैं अब और मोटर पीस ख़रीदूँ कैसे, मतलब तो मोटर पीस वाला कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने वापस अपनी खेती बाड़ी चालू कर दी। बहुत ज़्यादा सीड्स है मेरे पास अभी, और अभी देखो पैसा भी इतना सारा है, तो यहाँ ख़रीदते हैं। और इस मोटर पीस में ख़रीद नहीं पा रहा हूँ, देख लो इतनी बार क्लिक कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा है। तो उसके बाद मुझे लगा क्या पता मैं इन दूसरी चीज़ों को ख़रीदूँ तो मुझे मोटर पीस अनलॉक हो जाए, तो इसलिए मैं अब दूसरी चीज़ों को ख़रीदूँगा। पर उससे पहले यहाँ पे हिरण आ गया, तो एक बार इस हिरण को यहाँ से भगा देते हैं फिर बाहर चलेंगे भाई। हाँ चला गया। क्या पता कपड़े चेंज करने से मैं ला सकूँ मोटर पीस को, पर चलो चेक करते हैं। इससे भी नहीं आ रहा, क्या पता नया खेत खरीदने से हो जाए, तो मैं चाबी खरीदता हूँ एक बार। कपड़े चेंज कर लेते हैं, बहुत बेकार लगते हैं। और अब नए खेत की चाबी ख़रीद लेता हूँ, क्या पता उससे आ जाए मोटर पीस, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे आता है, राइट। यहाँ पे पर्पल सीड मिल रहा है हमें, आइस्ड कोकुम्बर्स, तो ये ख़रीद लेते हैं बहुत सारी। एंड कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मोटर पीस नहीं आएगा तो एस्केप कैसे करेंगे यार। एस्केप तो करना है मेरे को कुछ भी करके इस बार। तो ये रहा मेरा नया खेत, यस हमने एक नया खेत खरीद लिया है गाइस, हम बहुत अमीर हैं। लाइक देख रहे हो इतनी सारी सीड्स उगा रहा हूँ मैं, महंगी वाली। और यहाँ पे पानी भर लेते हैं और अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि यार मोटर पीस का कुछ जुगाड़ तो निकालना पड़ेगा ना, उसके बिना हम कैसे लाएंगे, राइट। 4 मोटर पीस नहीं लाएंगे तो एस्केप कैसे करेंगे। तो यार यहाँ पे कुछ तो यार सिस्टम होना चाहिए यार, देखो यार यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या पता मैं 4 को लगा पाऊँ, यहाँ पे भी नहीं लगा पा रहा हूँ यार, ये हो क्या रहा है। सारे बटन दबा के देख रहा हूँ मैं, पर कोई सा भी बटन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओह हिरण आ रहा है, अरे हिरण आ रहा है, यहाँ पे हिरण आ रहा है, मुझे भागना पड़ेगा। ओह भाग जा, अरे प्लीज़ बच जा। नहीं, अरे यार गया। देखो 40 मिनट हो गए थे मुझे खेलते, फिर भी ख़त्म हो गया। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, एक तरह से तो मैंने एस्केप कर ही लिया था, है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।